चेतना भय से मुक्त कैसे हो सकती है? दो तीन छोटी छोटी बातें आपको बता दूं, आपकी समझ में आ जाए तो बहुत बड़ा काम आपका हो सकता है। जो भय से त्रस्त, भय से ग्रस्त जीवन आप जीते हैं, हर आदमी डरा हुआ 24 घंटे, मैं कहूँ इसी कारण आप ध्यान में प्रवेश नहीं कर पाते, तो अतिशयोक्ति नहीं, सत्य की अभिव्यक्ति है। तो चेतना को भय मुक्त करना कैसे संभव है? आपके भयों के संबंध में दो तीन बातें आपसे कह देना चाहता हूँ। पहली बात, इस संबंध में जितनी शोध हुई है उसका निष्कर्ष आपसे कहता हूँ कि मनुष्य जिन बातों को लेकर भयभीत रहता है, वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक शोध इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि उनमें से 99% घटनाएं कभी घटित नहीं होती हैं, लेकिन आपके वर्तमान को नष्ट कर जाती हैं इस भय के कारण कि कहीं घटित ना हो जाए। यानी सत्य को आप जान लें कि जिस चीज का भय आपको पकड़े है उसमें से 99% चीजें ऐसी हैं जो कभी घटित नहीं होंगी। इसीलिए पहला सूत्र है, क्रॉस द ब्रिजेस व्हेन दे कम। नदी को पार करने की चिंता आपको तभी सतानी चाहिए जब नदी सामने आ जाए। अभी नदी नहीं आई है सामने, और पुल पार करने के तिकड़म भय चिंता तनाव से अभी आप सरलता से मुक्त हो सकते हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, 1% जो चीजें आ भी सकती हैं तकलीफ के रूप में आपके जीवन में, उनके संबंध में एक सत्य आपके समझ में आ जाए तो यहीं से आप तनाव मुक्त जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। उनके बारे में एक सत्य कभी मत भूलिएगा कि इस अस्तित्व में कोई भी चीज स्थिर नहीं है। भगवान बुद्ध ने एक सिद्धांत दिया, उसका नाम है मोमेंट्रीनेस, उसको क्षणवाद कहते हैं, द थियरी ऑफ मोमेंट्रीनेस। उनका कहना है कि सबको चलायमान है, एवरीथिंग इज चेंजिंग एवरी मोमेंट। ये इमारत खड़ी है, आपको लगता है स्थिर है, लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं कि हर पल ये टूट रही है। ये कोई 150 साल बाद, 200 साल बाद ऐसा नहीं होगा कि एकाएक गिर जाएगी, वो अभी से गिरना शुरू हो गया है। एवरीथिंग इज चेंजिंग। बच्चा कोई 80 साल बाद एकाएक बुढ़ा नहीं होता, वो एवरी मोमेंट ही इज ग्रोइंग ओल्ड। यानी हर चीज परिवर्तनशील है, चल रही है। भगवान बुद्ध कहते हैं समुद्र के लहरों की तरह आती हैं, जैसे आप समुद्र के तट पर खड़े हैं लहरें आती हैं, लेकिन इसके पहले कि उन लहरों के साथ आप कुछ कर सकें, देखते देखते वो चली जाती है। अगर कोई समस्या आ भी जाएगी तो भगवान बुद्ध कहते हैं हमेशा याद रखना, ये हमेशा के लिए नहीं आएंगी, दे टू सेल पास, वे भी गुजर जाएंगी, वे भी गुजर जाएंगी। इस सत्य को याद रखो। अब तक आपकी जिंदगी में जाने कितनी समस्याएं आई होंगी, आपके जीवन का ही अनुभव यह कहता है कि समस्याएं आई लेकिन वह गुजर भी गई। तो भविष्य में भी कोई समस्या आनी होगी, आ जाएगी, लेकिन हमेशा ध्यान रखना कि वो चली भी जाएगी। तो केवल दो सत्य आप याद रखें कि 99% जो चिंता आप करते हैं वो घटित ही नहीं होनी, उनके बारे में फिर चिंता करने की ज़रूरत नहीं। अगर 1% ऐसी हैं जो घटित भी हो सकती हैं या 10% ऐसी हैं जो घटित भी हो सकती हैं, तो उनका उपाय है ये समझ कि वो आएंगी, वो भी चली जाएंगी। इसलिए जब भी कोई चिंता पकड़े एकदम केयर फ्री हो जाओ कि चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और तीसरी चीज़, अगर आपने हृदय से सदगुरु का हाथ पकड़ा तो इतना भरोसा करिए, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे गुरु ने मुझसे पूछा है, ऐसे आपकी तरह मैं भी चिंतित तनावग्रस्त, जिन जिन गड्ढों में आप जिए हो उन सब में मैं जी चुका हूँ। जैसे आप मेरे पास आते हो अपनी समस्याएं लेकर, गुरु जी ये भी हो गया, वो भी हो गया, वो भी हो गया, ध्यान मन की बात तो उस समय फिर आपसे करने की कल्पना भी मैं नहीं कर सकता। ऐसे भी गुरुदेव के पास जाता था, गुरुदेव आज ये है, कल ये है, परसों ये है, नरसों ये है। उन्होंने कहा तू इतनी चिंता में, इतना तनाव में रहता है, तो तुमने मेरा हाथ पकड़ा है कि नहीं? मैंने कहा नहीं गुरुदेव, मैंने तो आपका हाथ पूरा पूरा पकड़ा है। उन्होंने कहा मुझको क्या समझता है तू? मैंने कहा आप तो मेरे गुरु भगवान। उन्होंने कहा जब भगवान ने तेरा हाथ पकड़ा हुआ है तो फिर तेरे को चिंता करने की क्या जरूरत है? या तो तू भगवान नहीं मानता है मुझे,
इसलिए तेरे को डर लगा रहता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। पूछा उन्होंने कि ऐसा तो नहीं है कि तू मानता नहीं है भगवान, सिर्फ कहता है कि मेरे भगवान है? मैंने कहा नहीं 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 गुरुदेव, मैं पूरे प्राणों से मानता हूँ आप मेरे भगवान। कहने लगे पागल, जब तूने भगवान का हाथ पकड़ा है और भगवान ने तेरा हाथ पकड़ा है तो फिर चिंता किस बात की? फिर तो तू 100% आज से निश्चिंत तनाव मुक्त 24/7 मौज में रहना शुरू कर दे। मैंने कहा तथास्तु गुरुदेव। ऐसा कह के मैंने उनके चरण छुए। जब मैंने अपना सिर ऊपर उठाया, मेरी तरफ देखा, उन्होंने कहा जा, तेरे को वचन देता हूँ, तूने श्रद्धा से मेरा हाथ पकड़ा है तो तेरे को ये मैं वचन देता हूँ, जो भी श्रद्धा से तेरा हाथ पकड़ लेगा, भरोसे से तेरा हाथ पकड़ लेगा, वो रात में सोता रहेगा, उसके ऊपर कोबरा भी अगर चढ़ गया तो रेंगता हुआ चला जाएगा, उसको काट नहीं सकता है। ये उनके वचन लड़कपन में मेरे मुंह से निकल गया, गुरुदेव लेकिन कोबरा तो कोबरा ही है, अगर उसने काट लिया तो? मुझे आज भी उनका वो चेहरा, उनकी वो शक्ल भूलती नहीं, एकदम चेहरा तमतमा गया, लाल हो गया, और उनके मुंह से जो शब्द निकले आपसे कहना चाहता हूँ, उन्होंने कहा ध्यान रखना, अगर कोबरे ने उसे काट लिया तो कोबरे का नुकसान हो सकता है लेकिन तुम्हारे शिष्य का नुकसान नहीं हो सकता है जिसने भरोसे से तेरा हाथ पकड़ा हुआ। और मैं बता रहा हूँ, उस दिन के बाद से चिंता और तनाव मेरे जीवन से हमेशा के लिए गायब हो गए। बस वही तीन छोटी छोटी बातें आपको समझाना चाहता हूँ। 99% तो आएंगे ही नहीं, 99 को आप ना मानो 90% मान लो, 90% तो आएंगे ही नहीं, 10% आ भी गई तो दे टू सेल पास, वो भी गुजर जाएंगी। और तीसरा सूत्र, आपने भरोसे से गुरु का नहीं, गुरु भगवान का हाथ पकड़ा हुआ है।